बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए न्यूजीलैंड को उन्हीं की सरजमी पर 9 विकेट से वनडे मुकाबला हरा दिया। दोनों के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हरा दिया। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को उन्हीं के घर पर एक दिवसीय मुकाबला हराया हो। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 16वें ओवर में मुकाबला अपने नाम कर लिया। नेपियर के मैकलिन पार्क में खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था, जो उनके लिए बिल्कुल सटीक साबित हुआ। पहले बैटिंग के लिए उतरी न्यूजीलैंड को बांग्लादेशी गेंदबाजों ने 31.4 ओवर में 98 रनों पर ऑल आउट कर दिया। न्यूजीलैंड के लिए ओपनर विल यंग ने सबसे बड़ी 26 रनों की पारी खेली। यंग के अलावा सिर्फ 3 और बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर सके। बांग्लादेशी गेंदबाजों के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज पूरी तरह बेबस दिखे। बांग्लादेश के लिए शोरिफुल इस्लाम, तंजीम हसन शाकिब और सौम्या सरकार ने 3-3 विकेट चटकाए। इसके अलावा मुस्तफिजुर ने भी 1 विकेट चटकाया। बांग्लादेश ने 9 विकेट से रौंदकर रचा इतिहास। 99 रनों से छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश ने 15.1 ओवर में सिर्फ 1 विकेट गंवाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। बांग्लादेश के लिए ओपनिंग पर उतरे सौम्या सरकार और अनामुल हक पहले विकेट के लिए 15 रनों की साझेदारी कर सके थे, फिर सौम्या सरकार रिटायर हो गए। फिर बैटिंग के लिए उतरे नजमुल हुसैन छंटो ने अनामुल हक के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 50 गेंद में 69 रन की पार्टनरशिप की। फिर 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर अनामुल का विकेट गिरा। फिर 4थे नंबर पर बैटिंग पर आए लिटन दास ने नाबाद 1 रन और नजमुल हुसैन छंटो ने नाबाद 51 रन पर नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिलाई दी। 3 मैचों की वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने 2-1 से जीत दर्ज की। मेजबान न्यूजीलैंड ने पहले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बना ली थी, जिसके बाद उन्होंने तीसरा मुकाबला गवाया। हालांकि तीसरे मुकाबले की जीत बांग्लादेश के लिए ऐतिहासिक रही। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने डीएलएस मैचडर के तहत 44 रनों से जीत हासिल की थी। फिर दूसरे मुकाबले में कीवी टीम ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था।